हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के इस 2023-24 एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पार्ट 2 हम आज कवर करेंगे। आइए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, इस पार्ट के अंदर जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब देखिए, जो ये नोशन ऑफ एथिक्स है, इसने खुद को और फैलाया है ताकि और मेजर चीज़ें जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की हैं उसको भी कवर कर सके। तो यहाँ पे एक ऐसा ही कदम उठाया गया है कुछ साइलेंट एस्पेक्ट्स को समझने का एथिक्स के इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्हें ब्रॉडली कुछ चीज़ों में जो है समराइज करा गया है। पहला, मैक्सिम ऑफ लीगैलिटी एंड रैशनैलिटी। ठीक है, ये क्या है? देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर ये फॉलो करता है लॉ और रूल्स को, जिसे जिन लॉ एंड रूल्स को बनाया गया है गवर्न करने के लिए और गाइड करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पॉलिसीज़ को और डिसीजंस को। दूसरी बात आती है जिसे कहते हैं मैक्सिम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर वो हेजिटेट नहीं होगा एक्सेप्ट करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो उसने डिसीजन लिए हैं, उसने कोई काम जो किया है, ये अपने आप को मॉरली रिस्पॉन्सिबल मानेगा अपने किए गए कर्मों की वजह से। एंड फॉर द यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन, अगर उसने कहीं पर अपनी मर्जी यूज़ करी है डिसीजन लेते टाइम, तो उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानेगा। मोर ओवर, he would be willing to be held accountable to higher authorities of governance and even जनता को भी वो accountable होगा जो ultimate beneficiaries होते हैं उसके decision और actions की वजह से। तीसरा, maxim of work commitment, मतलब एक administrator वो अपने duties को जो निभा रहा है, उसका जो कार्य कर रहा है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से तहे दिल से उससे कमिटेड होगा विद इन्वॉल्वमेंट इंटेलिजेंस के साथ में। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर एक ड्यूटी, ये एक समझ लीजिए ईश्वरी ड्यूटी है, एवरी ड्यूटी इज़ होली एंड डिवोशन टू ड्यूटी इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, है ना, कर्म ही पूजा है। तो इससे क्या है कि टाइम को रिस्पेक्ट करना, पंक्चुअलिटी, फुलफिलमेंट प्रोमिसेस का जो किए गए वादे हैं, और जो कर्म है उसे माना जाता है ना, मतलब बर्डन के तौर पर नहीं मानना है, एक बोझा नहीं है, बट एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम समाज को सर्व कर सकते हैं, सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। चौथा, मैक्सिम ऑफ फ्यूजन। साथियों, एक एडमिनिस्ट्रेटर वो रैशनली लेकर आएगा, एक फ्यूजन लेकर आएगा, इसमें इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल गोल सब एक साथ हैं, ताकि एक ऐसे आइडिया निकल के आए जो प्रॉपर उसमें सब कुछ दिखे अपने कार्य को लेकर, सब काम अच्छे से हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे कन्फ्लिक्ट दिखने को मिलता है कन्फ्लिक्टिंग गोल के टाइम पे, तो कंसर्न एथिक्स का वो गवर्न कर ले जाएगा जो चॉइसेस ली जाती हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैक्सिम ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एंड रेजिलियंस, मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटर वो रिस्पॉन्ड करेगा इफेक्टिवली डिमांड और चैलेंजेस से जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट उससे डिमांड करते हैं। ये अडाप्ट करेगा इन्वायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को और सस्टेन करेगा एथिकल फॉर्म्स ऑफ कंडक्ट को ऐसी सिचुएशन जिससे ये एथिकल जो प्रिस्क्राइब एथिकल फॉर्म है उससे थोड़ा सा मान लो डिविएट होता है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो शो करेगा रेजिलियंस और वापस से बाउंस बैक कर जाएगा उस एक्सेप्टेड एथिकल माउंट पे फटाफट से, जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत ही वापस अपने एथिकल चीज़ों की तरफ लौटेगा। उसके बाद आता है मैक्सिम ऑफ
यूटिलिटेरियनिज्म, ये हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कई दफ़ा। तो जब हम इम्प्लीमेंट, मतलब वही एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, तो इस बात को इंश्योर कराए कि इससे ग्रेटेस्ट गुड हो, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट लगे, हैप्पीनेस बेनिफिट्स ग्रेटेस्ट नंबर को पहुँचे, सबसे ज़्यादा समाज का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा समाज का भला हो। नेक्स्ट आता है मैक्सिम ऑफ कंपैशन, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर बिना प्रिस्क्राइब लॉज और रूल्स को वायलेट करे अपने कंपैशन को गरीब व्यक्ति के प्रति दिखाएगा, दिव्यांग या जो वीक होते हैं उनके प्रति, अपने जो भी डिसीजन वो लेगा, अपनी मर्जी जिसमें लगाएगा, उसके टाइम पे ये सबको ध्यान में रखेगा। एटलीस्ट ये किसी भी तरह का बेनिफिट किसी मजबूत स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं देगा, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि इससे उसको फ़ायदा हो रहा है और सोसाइटी स्ट्रांग वाली ज़्यादा आप उसके काम आएगी कंपेरेटिवली टू वीक। तो ये सब ध्यान में रख के जो है वो वीक सेक्शन के लिए काम करेगा। उसके बाद आता है मैक्सिम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देखिए एक तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है ना, देश सर्वोपरि है, चाहे जो भी हो, लिबरल जितना हो इट आउटलुक में, सिविल सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा वो हमेशा इम्पैक्ट उसके किए गए कर्मों का उसकी नेशनल स्ट्रेंथ और प्रेस्टिज पे क्या पड़ रहा है उस बात को ध्यान रखेगा। जापनीज, कोरियंस, जर्मन्स, चाइनीज सिटीजन्स में भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं तो इस बात में उनका डर दिमाग में होता है कि वो अपने देश को हमेशा रिस्पेक्ट करें, तो ऑटोमेटिकली इससे सर्विस की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, जो प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हो, जो भी कर्म आप करते हो वो ज़्यादा आप अच्छे से कर पाते हो। उसके बाद आता है मैक्सिम ऑफ जस्टिस। देखिए जो रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिसीज़ को, डिसीजंस को, गवर्नेंस के, वो इस बात को इंश्योर कराएं कि रिस्पेक्ट दिया जाए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को, इक्विटी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को, एंड कोई भी स्पेशल फेवर ना दिया जाए ऑन द क्राइटेरिया ऑफ स्टेटस, पोजिशन, जेंडर, पार, क्लास, कास्ट या वेल्थ के कंपैरिजन में। उसके बाद मैक्सिम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजंस ऐसे ले, उसे इम्प्लीमेंट ऐसे करे कि वो ट्रांसपेरेंट मैटर में हो, ठीक है, उन लोगों को सब पता हो जो लोग उसके डिसीजंस से अफेक्ट हो रहे हैं या जो चाहते हैं टू इवेल्युएट देयर रैशनल, ये समझें कि क्या वजह थी ऐसे डिसीजन के पीछे, क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया है। और लास्ट में इसके अंदर आता है मैक्सिम ऑफ इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी पे, सच्चाई पे बेस्ड हो, ना कि उसकी पावर, पोजीशन या उसकी मर्जी पे, उसके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और इलीगल तरीके जो दूसरे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ साइलेंट एस्पेक्ट्स को बताया आपको एथिक्स के इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज इन इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या एथिकल इश्यूज है। देखिए आज के टाइम पे इंडिया के सिविल सर्विसेज बहुत सारे एथिकल इश्यूज से झेल रही हैं, ज़्यादातर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही करप्शन से रिलेटेड है, और करप्शन एक इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है जहाँ पे एथिक्स हो जाता है फेल। तो जो ये शब्द है ना करप्ट, भ्रष्ट, ये निकल के आया है, एक लेटिन शब्द है करप्चस, इसका मतलब होता है टू ब्रेक और डिस्ट्रॉय, यहीं से निकला है एक करप्ट। तो जो वर्ल्ड एथिक्स है ये ओरिजिनल मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ग्रीक वर्ल्ड एथिकोस से निकल गया है, एथिकोस का मतलब अराइजिंग फ्रॉम हैबिट। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि करप्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसा करप्शन फॉर मैनी भी अब हो भी जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट करप्शन हैज़ फॉर मैनी बिकम अ मैटर ऑफ हैबिट, रेंजिंग फ्रॉम अ ग्रैंड करप्शन इन्वॉल्विंग पर्सन इन हाई प्लेसेस, बहुत बड़े बड़े लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, टू रिटेल करप्शन जहाँ पे हर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम आदमी के उसे भ्रष्ट लोग मिलते रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दो तरह के फैसेट्स होते हैं करप्शन को लेके, क्या एक तो इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही हाईली करप्ट हों,
और दूसरे ऐसे इंडिविजुअल्स जो हाईली करप्ट हो, ठीक है, एक तो इंस्टीट्यूशन हाईली करप्ट हो गए और एक इंडिविजुअल्स हाईली करप्ट हो गए। तो यहाँ पर ज़रूरत है काम करने की पब्लिक प्रॉफिटरिंग पे, जनता का भला होना चाहिए एंड जो भी सर्विसेज देते हैं ऑफिसर्स उनके द्वारा। इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से इवैल्यूएशन किया जाता है आसानी से और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करी जाती है। अब देखिए अलग अलग एथिकल इश्यूज जो फेस किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और अब्यूज ऑफ पावर हो गई, ठीक है। इसके अंदर पहला क्या हुआ, इसमें तो सब कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ओके। तो इश्यूज में सबसे पहला क्या हुआ कि एसिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अब्यूज ऑफ पावर, दूसरे नंबर पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तीसरे नंबर पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और क्रॉन्सिज्म, चौथा लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इसके बाद पांचवा लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स, नेक्स्ट लैक ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स वो व्यक्ति जो भांडा फोड़ दे, मान लीजिए सच बता दे अंदर का, तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नहीं तो बेचारे खतरे में आ जाएंगे। नेक्स्ट लैक ऑफ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, और लास्ट में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सेंसिटिविटी टूवर्ड्स कॉमन मैन। तो इस बात में जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, हालांकि मैंने उसको जो है एक्सप्लेन भी किया है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो सेकेंड एआरसी ने ऑब्जर्व किया गया था एज अंडर पहला कि करप्शन एक वजह है, मैटर ऑफ कंसर्न है, पर्टिकुलरली एट द कटिंग एज लेवल्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी के लिए। दूसरा कि यहाँ पे परसेप्टिबल लैक ऑफ कमिटमेंट है पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर सिटीजन्स के जो दुख दर्द है उनको सॉल्व करने को लेके। तीसरा कि जो भाई भतीजावाद वगैरह हो जाता है अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की वजह से बहुत हार्डशिप आती है सिटीजन्स के साथ में। रेड टेपिज्म, आपका जो सरकारी सर्वेंट्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये रेयरली अकाउंटेबल या घोषित किए जाते हैं कि अपने कर्मों के लिए, या कंप्लेंट्स टू हायर अथॉरिटीज़ इनके खिलाफ बहुत ही कम होती हैं। जनरली जो एटीट्यूड है बहुत सारे पब्लिक फंक्शनरीज का, ये बहुत ही एरोगेंट होता है, इनडिफरेंस होता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो जाता है ऑफिसर्स का बहुत सारे पब्लिक फंक्शनरीज में, ये एक वजह है। उसके अलावा है ना, जैसे अफेक्टिवनेस कम होती है ना, और ड्यूटीज़ जो उनकी अकाउंटेबिलिटी की वो कम होती है। कभी कभी यहाँ पे अनहोली तरीके से आपस में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हाथ मिला लेते हैं, जिससे पुअर गवर्नेंस होती है। तो ये सब वजहें हैं जो एक इश्यूज का कारण है। अच्छा, इसके अंदर एक वैल्यू कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बता दिया कि सेकेंड एआरसी ने क्या कहा। अब वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं थोड़ा समझते हैं। दोस्तों वैल्यू कन्फ्लिक्ट तब होती है जब इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ लोग वो स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीव ये होल्ड करें कि दैट आर इन डिसएग्रीमेंट विद देमसेल्फ और इन डिसएग्रीमेंट विद द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू के साथ में। इसमें रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं दो के बीच में, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं अपब्रिंगिंग में, आप अलग तरह से पले हैं, अलग तरह से पले हैं। तो जो वैल्यू बेस्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं पर्टिकुलरली परवेसिव होते हैं पब्लिक पॉलिसी में। ये बात तो पक्की है कि नियरली सारे ही जो पब्लिक पॉलिसी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, इनमें कुछ अलग अलग तरह के बिलीव होते हैं ना दो लोगों के बीच। आप कहीं आप उसी को 6 नंबर का हो गया, हम उसी को उधर से खड़े होंगे तो 9 कहेंगे, तो जो है क्या हो सकता है कि हम दोनों की सोच अलग हो, तो यही समाज में चलता है। अलग अलग बिलीव्स हैं, हमारे हिसाब से आप कोई चीज़ सही है, आपके हिसाब से वही चीज़ गलत है, क्या चीज़ जस्टिस है क्या अनजस्टिस है, तो सब अलग अलग होता है, इसमें कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन ये ज़रूरी एसेंशली चॉइस होते हैं अमंग कंपीटिंग वैल्यूज़, और सिंपली कंसिडर कि किस तरीके के मतलब एफर्ट्स लिए जा रहे हैं प्रमोट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी को, एंड रिजल्ट क्या है इन कन्फ्लिक्ट्स अमंग द वैल्यूज़, जैसे कि एफिशिएंसी, जस्टिस, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, मेरिट और इंडिविजुअल अचीवमेंट पे। उसके बाद इस पर डिपेंड कर रहा है कि क्राइम प्रिवेंशन पॉलिसीज की वजह से कंपटीशन बढ़ सकता है वैल्यूज़ के बीच में, जैसे कि लिबर्टी, सेफ्टी, ड्यू प्रोसेस, इक्विटी, अफेक्टिवनेस, एक्सेस एंड जस्टिस। लास्ट में डोमेस्टिक सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है वैल्यूज़ के बीच में, जैसे नॉलेज जनरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिवेसी, पब्लिक सिविल लिबर्टीज, इंडिविजुअल राइट्स, सेफ्टी को लेके। अब आगे समझते हैं फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल बिहेवियर। देखिए एथिक्स का जो रोल है ना पब्लिक लाइफ में, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक तरफ तो ये हाई मॉरल वैल्यूज़ को दिखाता है और
दूसरी तरफ ये स्पेसिफिक ऑफ एक्शन फॉर विच पब्लिक फंक्शनरी कैन बी हेल्ड लीगली अकाउंटेबल उसको दिखाता है। तो कोई भी फ्रेमवर्क जो भी एथिकल बिहेवियर का होगा उसमें कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि पहला कि कोडिफाई करना एथिकल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस को, दूसरा डिस्क्लोज कर देना पब्लिक इंटरेस्ट को ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल गेन के बीच में, तीसरा कि कैसा मैकेनिज्म बनाना जिससे जो भी रेलिवेंट जो भी इंपॉर्टेंट कोड्स हैं वो प्रॉपर इन्फोर्स हो सकें, और चौथा कि ऐसे नॉर्म्स प्रोवाइड करना फॉर क्वालिफाइंग एंड डिसक्वालीफाइंग अ पब्लिक फंक्शनरी फ्रॉम ऑफिस। तो ये है ना प्रॉपर नॉर्म्स हैं कि इस तरीके से पब्लिक फंक्शनरी को ऑफिस से हटाया जाएगा या इसको जो है वो इन तरीकों से जो है ये इस जॉब के लिए क्वालिफाई करता है, ये सब बताना। तो ये तो हो गया फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि सभी जनता का भला कॉमन वेलबींग या जनरल वेलफेयर हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट एक सेंट्रल है पॉलिसी डिबेट में, मेन मुद्दा यही है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात हो, चाहे पॉलिसी डिबेट हो रही पॉलिटिक्स हो रही डेमोक्रेसी में भी नेचर ऑफ गवर्नमेंट में भी खुद में भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना है। तो सरकार के अंदर एक यूनिवर्सलिस्टिक कैरेक्टर होना चाहिए, सबको समान देख के चलना है और आम आदमी को अच्छे तरीके से सर्व करना है बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे व्यक्ति में। तो इम्पोर्टेंस जो है सेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की एज अ वाइडर एथिकल कमिटमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाती है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब इसमें फिलॉसफीज क्या है पब्लिक इंटरेस्ट की थोड़ा समझिए। देखिए फिलॉसफीज जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं वो चार कैटेगरी में मोटे मोटे आती हैं। एक आती है इंट्यूशनिस्ट फिलॉसफी, फिर आती है परफेक्टनिज्म, तीसरे नंबर पे आती है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ यूटिलिटेरियनिज्म, और चौथे नंबर पे आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस। आइए एक एक करके आपको मैं इसमें समझाती हूँ क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आता है ये इंट्यूशनिस्ट फिलॉसफी। दोस्तों ये देखती है जस्टिफाई करने के लिए एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं बाय पॉइंटिंग आउट दैट इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अल्टरनेटिव को चूज करेगा अपने इंट्यूशन से जो उनके अंतरात्मा या उसके मन में जो आएगा। दूसरे शब्दों में कि जो एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली करेगा वो एक इंट्यूशनिस्ट सोल्यूशन है और विच सीम टू हिम राइट कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप इस सिचुएशन में हैं अब जहाँ आप नहीं समझ पा रहे क्या करना है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से उस सरकमस्टेंसेस के हिसाब से जो आपके मन में आया कि ये सही रहेगा करना, तो उसे हम कहते हैं इंट्यूशन, अंदर से आता है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा कर रहा है। तो ये फिलॉसफी कोई गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करती कैसे एक्शन लेना है, ना ही ये बताती है एक्सप्लिसिट थ्योरी को पब्लिक इंटरेस्ट के, ठीक है। तो ये सीधा सीधा उसके मन की बात हो गई इंट्यूशनिस्ट फिलॉसफी। दूसरा होता है परफेक्टनिज्म। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है देखता है पब्लिक इंटरेस्ट को फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ के तौर पे, और पब्लिक रिसोर्स ये खर्च हो इस तरीके से कि जो बेस्ट मेंबर हैं सोसाइटी से उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, जितना खर्चा हो रहा है उससे उन्हीं लोग को बेनिफिट हो जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए परफेक्टनिज्म ये एक एलिटिस्ट फिलॉसफी हो गई। अभी इस बात को फिर समझिएगा, पब्लिक रिसोर्स शुड बी स्पेंड इन सच अ वे, पब्लिक रिसोर्स इस तरीके से खर्च करिए जाएं दैट द बेस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी, अब यहाँ पे जो जरूरत ऐसे नहीं समझे, बेस्ट मेंबर जो सबसे बढ़िया लोग जो हैं सोसाइटी के ऊपर ही स्तर में, ठीक है ना, उनको बेनिफिट मिले ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे, ठीक है। तो अब इसको ऐसे देखा जाता है कि जो परफेक्टनिज्म है ये एक एलिटिस्ट फिलॉसफी है और एंटी इगैलिटेरियनिज्म हो गई, ये अमीरों के लिए हो गई, ठीक है ना, अमीरों के लिए हो गई, एंड ये कंपैटिबल नहीं है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के हिसाब से। आप समझ रहे हो ना कि बेस्ट मेंबर्स को सबसे ज़्यादा खर्चा अगर उन पर हो रहा है तो ये किस पे फेवर कर रही है, फेवर कर रही है एक्सेलेंस पे एट द एक्सपेंस ऑफ सोशल इक्वालिटी, मतलब समाज के अंदर इक्वालिटी को ये ध्यान में नहीं रख रही है, ये इस बात को ध्यान रख रही है कि खर्चा जो हो रहा है सरकारी वो इसलिए हो कि जो अमीर लोग हैं जो पहले से ही संपन्न हैं उनको फ़ायदा मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अभी ये नहीं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत वालों को, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बेस्ट मेंबर्स को, है ना। तो शुरुआत में मैंने जो कह दिया था उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है यूटिलिटेरियनिज्म। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से जो पब्लिक इंटरेस्ट है इसे देखा जाता है जब पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है
as many as possible, better off even though it may be render a few words of. मतलब कहने का मतलब ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता को खुशी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हित मिले, उनको खुशियाँ मिले, उनका हित हो, भले उसके कुछ, देखिए हर चीज़ हर मतलब कोई हम अच्छी बात भी बोलेंगे तो 100 में से वो हो सकता है 80 लोग को अच्छी बात लगे, 20 लोग को ना लगे, समझ रहे ना। लेकिन जो मैक्सिमम सोशल सेटिस्फैक्शन हम दे पाएंगे अगर, तो ही ये कॉन्सेप्ट, यही सेम ये कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि जो भी काम करा जाए वो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करे पब्लिक पॉलिसी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जो है हैप्पी हों, हालांकि उसके थोड़े बहुत नुकसान हो कुछ तो उसको फिर ध्यान में नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जज करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को जज करता है बाय ऑगमेंटेशन ऑफ अ नेट बैलेंस ऑफ सोशल सेटिस्फैक्शन के माध्यम से। नेक्स्ट आती है लास्ट में थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये क्या है? देखिए ये थ्योरी को लाया गया था एक फिलोसोफर थे, नाम था जॉन रॉल्स, उनके द्वारा। रॉल्स सजेस्ट करते थे दो बेसिक प्रिंसिपल्स को जस्टिस के, अगर आपको टेस्ट करना है पब्लिक इंटरेस्ट को। तो पहला प्रिंसिपल ये था कि हर एक व्यक्ति के पास इक्वल राइट होता है टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी का, जो कंपैटिबल होती है सेम तरह की लिबर्टी से दूसरों के लिए। और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो कहता है कि पब्लिक पॉलिसीज रीजनेबल एक्सपेक्टेड होती हैं टू बी एवरीवन्स एडवांटेज, जिसमें सबका भला हो, और पब्लिक पोजीशन और ऑफिसेज ये ओपन होते हैं सभी के लिए, सब आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट हुआ इन दोनों प्रिंसिपल के बीच में, तो जो दूसरा वाला प्रिंसिपल है सबके लिए पॉलिसी है, सबके लिए ओपन है पब्लिक ऑफिसेज, तो ये सेकेंड प्रिंसिपल एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये मान्य होगा और गिविन द वे टू द फर्स्ट। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसके अंदर एथिकल फ्रेमवर्क होता है, और ये प्रिंसिपल्स एक ऑपरेटिंग लॉजिक प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डिसीजन मेकर्स। तो ये यहाँ पे चार चीज़ों की बात हमने करी। अब हम ह्यूमन राइट्स का आपको बताते हैं। देखिए ह्यूमन राइट्स को आप कॉमनली ऐसे समझो कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो व्यक्ति से आप ले नहीं सकते, मतलब ऐसा कि किसी इंसान को या सभी इंसानों को ये राइट्स मिले ही मिले हैं क्योंकि वो ह्यूमन है, जस्ट बिकॉज वो पैदा होते हैं उसको ये सारे राइट्स मिल गए, आप उससे राइट्स छीन नहीं सकते। तो ह्यूमन राइट्स दस कंसीव्ड एक यूनिवर्सल, मतलब हर जगह पे लागू होगा, यूनिवर्सल और इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मतलब सेम सबके लिए, हर जगह लागू होगा और हर एक व्यक्ति के लिए सेम होगा। तो ह्यूमन राइट्स को इसलिए यूनिवर्सल और इगैलिटेरियन माना जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये राइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज नेचुरल राइट्स के तौर पे भी और एक लीगल राइट्स के तौर पे भी, इन लोकल, रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल लॉ में। अब जो ये डॉक्ट्रिन सिद्धांत हैं इन ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल प्रैक्टिस में, विद इन इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबल या रीजनल इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिसीज में, स्टेट्स की एक्टिविटीज़ में, एनजीओज की, ये एक कॉर्नर स्टोर बने हैं पब्लिक पॉलिसी का पूरे ही विश्व में। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन राइट्स की, सबसे पहला तो ये यूनिवर्सल होते हैं, इन एलिनेबल हैं, आप छीन नहीं सकते, हर जगह सेम होंगे, ये इक्वल हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं, भेदभाव नहीं आप कर सकते इसके अंदर, ये चीज़ें हैं दो। अब आता है, ये तो मैंने बताया ना कि इगैलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट, मतलब सेम फॉर एवरीवन। देखिए इगैलिटेरियन ऐसा ट्रेंड ऑफ थॉट है जो फेवर करता है इक्वालिटी को पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या सभी के लिए, जो भी लिविंग एंटिटीज हैं, जो भी जीवित हैं। इगैलिटेरियन का सिद्धांत मेंटेन करता है कि सारे ह्यूमंस एक समान हैं इन फंडामेंटल वर्थ या सोशल स्टेटस में। और मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी के हिसाब से जो टर्म है इगैलिटेरियन, इसके दो डेफिनेशन आती हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ये डिफाइन करा जाता है इधर एज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के तौर पे कि सारे लोगों को आप इक्वल ट्रीट करिए एंड सेम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और सिविल राइट्स प्रदान करिए, और एज अ सोशल फिलॉसफी, और या दूसरा एक सोशल फिलॉसफी के तौर पे जिसमें ये कहता है रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग द पीपल। एक तो हो गया सबको सेम समान रखिए, और दूसरा सोशल फिलॉसफी पे देखें
तो ये देखें कि जो इकोनॉमिकली अनइक्वल लोग हैं ये चीज़ हटानी है, सबको इक्वल बनाना है और द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करनी है ताकि सब तक चीज़ें पहुँचें। तो कुछ सोर्सेज डिफाइन करते हैं इगैलिटेरियम को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि इक्वली रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी को। तो ये कई कई लोगों का कई कई तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये सिर्फ एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, इसे हमें मतलब इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। वी मस्ट रियलाइज कि हमारा जो प्रिंसिपल है हैव येट टू लर्न इट, है ना। वी मस्ट रियलाइज दैट वी मस्ट रियलाइज, देखिए इस मुद्दे की बात है, ये एक कोट है, कोट समझा देती हूँ ना, इधर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, उसको मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हिंदी में भी समझा दूँगी, फिलहाल इनका कोट बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। वी मस्ट रियलाइज दैट आर पीपल हैव येट टू लर्न इट और डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली अ टॉप ड्रेसिंग ऑन द इंडियन सॉयल विच इज एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक। तो बेसिकली समझे आप क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कोई नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, हमें इसे लाना होगा, कल्टिवेट करना होगा, हमें ये बात रियलाइज करनी होगी कि हमारे जो लोग हैं अभी उसे जो है उन लोगों को ये सीखना है। इंडियन डेमोक्रेसी समझ लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ऐसे इंडियन सॉइल पे जो एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक चीज़ है, और इंडियन डेमोक्रेसी उस पर एक टॉप ड्रेसिंग है उसकी, है ना। मतलब कहते नहीं है कि यही जो है उसको बिल्कुल खूबसूरती का हिस्सा देती है और बेस्ट चीज़ है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ये आज के इंडिया में ये समझना होगा इन द लाइट ऑफ साइकिल ऑफ एस्केलेटिंग डिमांड्स फ्रॉम द पीपल एंड जो रिस्पॉन्स होता है सक्सेसिव गवर्नमेंट का उन डिमांड को लेके, उसको दोनों को लेके समझना होगा हमें। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऑब्लिगेशंस होते हैं ये माने जाते हैं कि वो इक्वली बाइंडिंग हो सरकार पे भी और अपोजिशन पे भी। भारत के अंदर सेम पॉलिटिकल पार्टी इन ऑब्लिगेशंस को अलग अलग तरह से डील करती है जब ये ऑफिस में होती है और जब ऑफिस के बाहर, मतलब जब ऑफिस में नहीं होती है। तो ये वजह से ये कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा टू द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ आर पॉलिटिकल सिस्टम एज बीइंग कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक अमोरल है। अब इमोरल अमोरल है ना, ये सब मैंने बताया है मोरल का डिफरेंस। तो अब प्रिंसिपल्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आपको समझाती हूँ। देखिए जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वो पहली बार लाया गया था एक इंग्लिश क्लासिसिस्ट थे, नाम था जॉर्ज ग्रोट, नाम लिख देते हैं जॉर्ज ग्रोट, ठीक है, इन हिस्ट्री ऑफ ग्रीस में, जिसमें रिफर कर रहा था कॉम्प्लेक्स वैल्यू को ऑफ व्हाट, जो कि रिटन ऑफ टू द कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ऑफ व्हाट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड फॉर। तो अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के माध्यम से ग्रोट का मतलब ये रहा कि एक पैरामाउंट, एक सबसे ऊपर रेवरेंस है फॉर द फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्सिंग ओबीडियंस टू द अथॉरिटी, ये ओबीडियंस लगा रही है अथॉरिटी पे, एक्ट कर रही है कि अंडर एंड विद इन दीज फॉर्म्स, इसी फॉर्म के अंदर अथॉरिटी को काम करना है, येट कंबाइंड विद द हैबिट ऑफ ओपन स्पीच ऑफ एक्शन सब्जेक्ट ओनली टू डेफिनेट लीगल कंट्रोल एंड unrestrained censor of those very authorities as to all their public acts combined too with a perfect confidence in the bosom of every citizen amid the bitterness of party context that forms the constitution will not be less sacred in the eyes of his opponents than his own, है ना। कुल मिला के छोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए आप, इंग्लिश में तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कह दी है ये भैया, अथॉरिटी पे बात को ये जोड़ देती है कि आप अच्छे से काम करिए, आप ओपन रहिए, आप जो भी काम करें वो लीगली काम करें, है ना, और यहाँ पे जो भी काम करें पब्लिक एक्ट्स करें तो वो सब एक परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, एक लीगल तरीके से होना चाहिए, हर एक सिटीज़न जो है उसका आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, और जो भी पार्टी कॉन्टेक्ट कर रही है ना, दैट फॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी लेस सैक्रेड इन द आइज ऑफ हिज ओपोनेंट्स दैन हिज ओन। तो अभी समझो अपने आप को अगर मानते हो तो ये भी मानो जनता को इन्होंने चुना है, तो आप सबको एक समान लेके चलना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल है इस कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का, फंडामेंटली ये इंटेंड करता है कि बो डाउन टू द स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कुल मिला के आपको समर्पित रहना है संविधान के सामने और आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ वायलेट हो या ऐसा कोई भी तरीका जिससे संविधान की किसी भी तरीके से जो है
आप बात ना सुन रहे हो। तो ये एक्चुअली काम करता है इस फलक्रम पे, जो गाइड करता है एज अ लेजर बीम इन द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज सरवाइव करती हैं, सक्सेसफुल होती हैं जहाँ पे लोग देखा जाए या पर्सन्स इन चार्ज जो हैं इंस्टीट्यूशन के, वो स्ट्रिक्टली गाइडेड होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, बिना कोई अपने काम में कोई दिक्कत विक्कत लाए, इन संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो कमिटमेंट अगर संविधान को लेके है तो यही एक तरीका है इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। इसलिए इंडियन सेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये सोल है संविधान का, जो आपको हमारे प्रियम्बल में भी संविधान के देखने को मिलेगा, जो कहता है आइडियल्स एंड एस्पिरेशन, एंड ये आपको पार्ट थ्री हमारे संविधान का जो है उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अलग अलग यूसेज होता है इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इस शब्द का। कंटेम्प्रेरी यूसेज में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो निकल के आई है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंटिव कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से चल रहे हो आप तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समझ रहे हैं इसको। तो टू बी गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑन दिस व्यू, टू बी गवर्न बाय द सब्सटेंटिव मॉरल इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन एनी कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये लिया गया है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से। इस सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ये मोरालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। अच्छा, सेकेंड यूसेज ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा फेमिलियर थे, इनके व्यू में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ये रिफ़र करती थी टू द कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से, जो गवर्न करते थे डिसीजन मेकिंग को, जहाँ पे संविधान के पास डिस्क्रिशनरी पावर है या संविधान शांत है ना, संविधान के अंदर डिस्क्रिशनरी पावर की अपनी मर्जी से करो या साइलेंट है, तो वहाँ पे ये काम करते थे। अच्छा, ग्रोट की बात करें, इनके बारे में भी बता रहे थे, तो फॉर ग्रोट देर वर ओनली टू अदर प्रोबेबल केसेज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हैज़ रिजन। पहला था एरिस्टोक्रेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट, जो कि 1688 में एक्सपीरियंस करा गया था इंग्लैंड के अंदर, और दूसरा रहा था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो बाकी सारे अटेम्प्ट तो खैर फेल हुए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एडिंग टू द वरी ऑफ क्रिएटिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री लाइक इंडिया, जिसकी सोसाइटी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी ही नहीं, एक्सपीरियंस था ही नहीं। अब यहाँ आती है बात अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये यूनिफाइंग डॉक्यूमेंट है, ये सारा कुछ समझता है एक्सटेंट, जो भी ज़रूरी कल्चर, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल कॉन्सेप्ट है सोसाइटी को ना, इसको सबको इसके अंदर अपने अंदर लेता है। ये कहता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये इस्टेब्लिश करता है स्टेट के इंस्टीट्यूशन को, बट जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ये इज़ द मैनर इन विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट, ये एक तरीका है जिसके जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन अपना कर्म करते हैं फर्दर जो है ऑब्जेक्टिव्स को लेके संविधान के। तो थ्योरी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की है आ गई है, ये ज़रूरी है समझने के लिए डिवीजन को और लिमिटेशन को सरकारी पावर की, उनके रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन की कुछ इंडिविजुअल राइट्स के, और प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी को, और नोशन जो रिप्रेजेंटेटिव या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है उसको समझने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि एलिमेंट्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, इसके कुछ एलिमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। ये क्या है भाई? देखिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट ये एक प्री कंडीशन होती है मेंटेन करने के लिए फ्रीडम को अंडर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जिसमें लैक होता है, कमी है सेल्फ रिस्ट्रेंट की, है ना, ऑफ अ लैक ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट वॉज रेवोल्यूशन। दोनों ही वायलेंट रेवोल्यूशन हो चाहे पैसिव रेजिस्टेंस हो, ये इक्वेट करी जाती है एज एग्जेम्प्लीफाइंग अ काइंड ऑफ एक्सेस एंड लैक ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट इनकम्पैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। द अंडरस्टूड इक्विवेलेंस स्टेटेड बिटवीन सत्याग्रह एंड वायलेंस हैज़ रूट्स इन डॉक्टर अम्बेडकर्स एक्सपीरियंस ऑफ सत्याग्रह एज अ फॉर्म ऑफ कोर्जन, और यही फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का, दैट वाइल गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द फुल फोर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये क्रिटिसिज्म जरूरी भी है कुछ सेंस में, बी पैसिफिक एंड पीसफुल क्रिटिसिज्म हो सकता है। दूसरा आता है इसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्लूरैलिटी। देखिए,
संविधान के फॉर्म संविधानिक फॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना ये इकलौता तरीका है जिसके माध्यम से जेन्युइनली नॉन वायलेंट तरीके से पॉलिटिकल एक्शन किया जाता है। इकलौता तरीका नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन का है। फैक्ट ऑफ डिफरेंस इन सिक्योरिंग सम डिग्री ऑफ यूनानिमिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एक फॉर्म है एडजुडिकेशन का जो इन दोनों डिफरेंसेस के बीच में एक मीडिएशन का काम कर सकता है। तीसरा आता है जो है सस्पिशन ऑफ एनी क्लेम्स टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ पीपल। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर को डाउट था, सस्पिशियस थे किसी भी तरीके की हीरो वर्शिप से, बट ये सस्पिशन जो पर्सोनिफिकेशन का था वो पार्ट था लार्जर सेंसिटिविटी का जिसने बनाया एक क्रूशियल एलिमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तौर पे। देखिए जो सारी बातें मैंने बताई है ना, संविधान के अंदर जो ऑब्वियस टेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके अलावा जो सब टेक्स्ट और स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी तो ऐड करता है फोर्स और अंडरस्टैंडिंग को इसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो एक इम्यूटेबल फीचर देता है, एक मॉरल कंपस का काम करता है इम्प्लीमेंटेशन में, इंटरप्रिटेशन में संविधान के, ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देखा जाए इंटरचेंजेबल या पॉसिबल सिनोनिम के तौर पे ही, वाइल मोरालिटी को जो होती है उसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव कनोटेशन होते हैं उसके ऑर्डिनरी यूज़ में, बट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स लिटरली द इथॉस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जब हम समझने की बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। तो एक सिंपलिस्ट अप्रोच जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वुड बी कि आप अज्यूम करिए कि जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट्स के, जैसे राइट टू लाइफ और लिबर्टी के, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, ये सिर्फ एग्जांपल्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के जिन्हें ड्राफ्ट करा गया है संविधान के अंदर। और ये प्रिंसिपल बढ़ावा देते हैं कि हर एक नागरिक ये सोचे समझे विजिलेंट रहे, ना सिर्फ अपने खुद के इंडिविजुअल राइट्स के लिए बट ग्रुप राइट्स को भी समझे। ये एक डिलेमा पोस्ट करता है फॉर एवरी सिटीजन इन दैट इट एस्पेक्ट्स ऑफ हिम टू शन अपॉर्चुनिटिज्म एंड डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम सर्कमस्टेंसेज ऑफ पर्सनल गेन। खुद को अपने फ़ायदे से दूर रखे जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। मान लो नेशनल इंटरेस्ट एक तरफ है, पब्लिक इंटरेस्ट एक तरफ है, अपना एक तरफ है, तो हम नेशनल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे ना कि अपने मतलब में। सेम तरह का डिलेमा सरकारों के लिए भी है जिनको अपना एजेंडा ड्रिवन प्रोग्राम जो है लगता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो दैट डज नॉट अलाउ इट्स सुप्रीम पावर टू बी यूज फॉर द कॉन्टेक्स्ट अदर दैन फॉर विच इट वॉज ग्रांटेड। ठीक है, कि मतलब सरकारें भी इस बात का ध्यान रखें कि वो भी जो काम कर रही है ना वो अपने मतलब के लिए ना करें, जो जिनके लिए उनको पावर दी गई है वो दी गई है जनता के लिए, तो वो जनता के प्रति काम करें। दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से लेके सोशल मीडिया के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पे वीडियोस जल्दी आ जाती हैं कंपैरेटिवली टू यूट्यूब, तो आप मुझे यहाँ फॉलो भी कर लीजिएगा। बाकी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।